अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टडी विद स्कॉलर। आज हम अगेन आपको 22 अगस्त का एडिटोरियल हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिस्ट्रेनिंग नैब। इसके अंदर हम बताएंगे कि क्या क्या इस एडिटोरियल के अंदर लिखा है। ये भी हम डॉन के एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमारी लास्ट वीडियो के अंदर था, वो ये भी सेकेंड एडिटोरियल, क्योंकि एक ही न्यूज़पेपर के अंदर 3 एडिटोरियल्स होते हैं, तो हमारा ये सेकेंड एडिटोरियल है। देन अंटिल नाउ द गवर्नमेंट हैड बीन इन द टोटल डिनायल दैट इट हैड एनी कंट्रोल ओवर द नैब एंटी क्राफ्ट ड्राइव व्हिच हैज क्रिएटेड अ कल्चर ऑफ फीवर दैट मेनी सी एज अफेक्टिंग द इकॉनमी। वो कह रहे हैं कि अब तक जो है गवर्नमेंट जो है वो टोटली डिनाई कर रही है कि इसका कोई कंट्रोल है नैब के एंटी ग्राफ्ट ड्राइव के ऊपर। अब हमें पता नहीं है कि एंटी ग्राफ्ट ड्राइव है, क्योंकि वी आर द बिगिनर्स, हमें पता नहीं है कि क्या चीज़ कैसे है, और हमें अभी अभी हम सी एस एस की प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो वी शुड नो कि हम एडिटोरियल जो है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर चीज़ होती है किसी भी सी एस एस के लिए तैयारी करने के लिए। आपके इंटरव्यूज में भी काम आते हैं, आपके एग्जाम के लिए भी, करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन के भी काम आता है, और इवन जैसे एस एस के लिए, इंग्लिश एस एस के लिए, कॉम्प्रिहेंशन के लिए, प्रेसर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एडिटोरियल्स। सो अब एंटी ग्राफ्ट ड्राइव क्या है, ऑलराइट, इसको हमें पढ़ना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिलाती चाहूँ कि आप प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन, शेयर बटन और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल को आप क्लिक कर दें, सो दैट आप आने वाली तमाम वीडियोज़ का अलर्ट साथ साथ लेते जाएँ और स्टे अप टू डेटेड विद द वीडियोज़, और साथ साथ अपना नॉलेज एनहांस करते जाएँ। सो अब हम देखते हैं कि एंटी ड्राफ्ट ड्राइव क्या चीज़ है। एंटी ड्राफ्ट ड्राइव, इसके लिए हम जाएंगे हम गूगल के ऊपर, ताकि हम अच्छी तरीके से सारी की सारी मालूम हासिल कर सकें। हम बता रही हूँ कि जो सी एस एस की प्रिपरेशन है वो आप एक मोबाइल के ऊपर बैठे बैठे ही सारी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। एंटी ग्राफ्ट ड्राइव, सो एंटी ग्राफ्ट ड्राइव इसको हम कॉलिंस डिक्शनरी से देख लेते हैं। कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव है अपोज टू और डिजाइन टू रिड्यूस करप्शन, मतलब कि ऐसी ड्राइव जिसके अंदर हम करप्शन को रिड्यूस किए जा सकें, इट इज़ नोन एज एंटी ग्राफ्ट। ऑलराइट, वापस हम जाते हैं अपने डॉन के एडिटोरियल की तरफ। अब वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है नैब की जो मॉडस ऑपरेंडी है उसके ऊपर, कि वो करप्शन को किस तरह से कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इट हैज़ क्रिएटेड अ कल्चर ऑफ फेयर दैट मैनी सी एज अफेक्टिंग द इकॉनमी। लाइक कि एक फेयर जो है वो हमारी सोसाइटी में डेवलप हो गया है कि नैब के करप्शन के जो एंटी ग्राफ्ट ड्राइव है उसकी वजह से लोगों के दिलों में फेयर बैठे, कहीं हम करप्शन करेंगे तो हमें पकड़े ना जाएं, या फिर इसी तरह से जो भी है ना वो हमारी इकॉनमी को अफेक्ट कर रहा है। काफ़ी लोग कहते हैं कि इस वजह से नैब की इस ड्राइव की वजह से हमारी इकॉनमी जो है वो अफेक्टेड हो रही है, ठीक है। बट एज एट लॉन्ग लास्ट इट अपीयर्स दैट द गवर्नमेंट इज गोइंग टू एडमिट दैट इट हैज़ सम इन्फ्लुएंस ओवर द मूवमेंट ऑफ द अकाउंटेबिलिटी बुलडोजर। कहते हैं कि अगर हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में देखें, या फिर क्या होता है देखें कि किस कब तक ये लॉन्ग लास्टिंग है, तो हमें पता चलता है या फिर ऐसे दिखाई देता है कि गवर्नमेंट जो है वो इस बात को मानने के लिए राजी है कि इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसके ऊपर जो नैब की एंटी ग्राफ्ट ड्राइव है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थोड़ा सा कहीं ना कहीं है पड़ा, क्योंकि जो अकाउंटेबिलिटी का जो बुलडोज है वो हर एक पॉलिटिशियन के ऊपर फेर ही है नैब। ये अब अपने आप से ये इदारा जो है वो इतना पावरफुल नहीं है जब तक इसके पीछे बैक हैंड गवर्नमेंट का नहीं है। सो अब अगर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट भी कहीं ना कहीं हमें समझ आती है कि यकीनन होगी, अदरवाइज ये एंटी ग्राफ ड्राइव इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज फेडरल कैबिनेट हैज़ एक्नॉलेज द रियलिटी दो नॉट इन मेनी वर्ड्स दैट द ब्यूरोज कंपेन इज क्रिपलिंग द इकॉनमी, हैम्परिंग द इन्वेस्टमेंट एंड कॉजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया। अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास वर्ड जो है वो थोड़े से मुश्किल है, लाइक क्रिपलिंग, हैम्परिंग, इनर्शिया। इनर्शिया से तो काफ़ी लोग क्या होते हैं जानते होंगे कि इनर्शिया को हमने फिजिक्स में काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं, लेकिन बहरहाल वी विल टॉक अबाउट देयर सिनोनिम्स टू। सो फेडरल कैबिनेट वो कहते हैं कि उसने एक्नॉलेज किया इस रियलिटी को कि वाकई ही में, अगर हम ज़्यादा वर्ड्स में नहीं बोलें तो थोड़े से वर्ड्स में यह है कि ब्यूरोक्रेटिक कैंपेन्स जो है वो वाकई में इकॉनमी पाकिस्तान की उसको क्रिपल कर रही है, उसको लिंगरिंग बना रही है। लिंगरिंग मतलब स्लो डाउन कर रही है, क्रिपलिंग मतलब डिवास्टेटिंग, थोड़ा सा उसको पैरालाइज कर रही है हमारी इकॉनमी को, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होकर अपने जो है वो हाथ फैला आगे हथकंडे लगाता है, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। सो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो हैम्पर हो रही है। अब हैम्पर का मतलब क्या है, हैम्पर का मतलब है स्टॉप डाउन, लाइक हर्डल आ रहा है उसके अंदर, ऑब्स्टैकल बन रहा है, ठीक है, तो स्टॉप हो रही है, सीज हो रही है, ठीक है। तो हमारी इन्वेस्टमेंट जो आ रही है वो भी सीज हो रही है, एंड कॉजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया, और इनर्शिया का मतलब होता है फोर्स यूज़ करना। सो इन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर, ऑफिशियल लेवल के ऊपर इनर्शिया मतलब फोर्सफुल यूजेस भी जो है वो हुए जा रहे हैं। सो वो कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज कर लिया कि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप इज इन्वॉल्विंग इन इट। It is explained that following a recent discussion on the allegations by the businessman about harassment by NAB, the cabinet has decided to make some procedural changes in the bureau working to stop it from scaring and threatening investors. Ab ye procedural changes kaun kaun se honge, we will discuss it in later video. But before that, we have to comprehend this editorial. Aur iske andar hum keh rahe hain ki ab
इट इज़ एक्सप्लेन, मतलब ये एक्सप्लेन कर दिया गया है कि आज के जो रीसेंट डिस्कशन है कि काफ़ी बिजनेसमैन ने इल्ज़ाम लगाया है कि वो नैब की वजह से उनको हरास किया जा रहा है, उनको थ्रेटन्ड है, दे आर थ्रेटन्ड या देयर बिजनेसेस आर थ्रेटन्ड। सो कैबिनेट ने क्या डिसाइड किया कि वो कुछ प्रोसीजरल चेंजेस लाए अपने ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में ताकि इस तरह की जो थ्रेटनिंग और जो स्केरी जो प्रोसीजर्स हैं जिसकी वजह से बिजनेसमैन जो हैं वो थ्रेटन्ड होते हैं और वो फिर इन्वेस्ट नहीं करते, ठीक है, और जिसकी वजह से हमारी हैम्परिंग इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो वो जो है ना थोड़ी सी चेंज हो जाए। ठीक है, अब क्या आगे चलते हैं। गवर्नमेंट हैज़ कंसीडर्ड दैट द बिजनेस कम्युनिटी इज एंग्शियस। एंग्शियस का मतलब है परेशान होना, ठीक है, इट इज़ एन एंग्जाइटी, ऑलराइट, इन स्ट्रेस और इन पैनिक सिचुएशन। तो गवर्नमेंट ने कहा हैज़ कंसीडर्ड, कंसीडर का मतलब यकीन करना या फिर मानना, बिलीव करती है दैट बिजनेस कम्युनिटी जो है वो परेशानी की हालत में इस वजह से है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो कि ब्यूरो की तरफ से ला दी जाती हैं या फिर लॉन्च की जाती हैं, उनके ऊपर स्टार्ट की जाती है कि भाई अपने पैसों का जो है वो हमें बताओ कि कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इट इज़ वेरी वरीसम फॉर द इन्वेस्टर्स। तो इन टू द पास्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डील्स बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट इन्वेस्टर लोकल एंड फॉरेन बोर्ड, मतलब कि वो इवन के इन्वेस्टर्स के पास्ट जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी डील्स हैं उनको भी जो है वो नैब जो है वो उसके ऊपर बेस बना के उनको थ्रेटन कर रही है कि अपने पास्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जो है वो मैं डील्स बताओ कि किस तरह से तुम लोगों ने गवर्नमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टर्स के दरमियान किए हैं या फिर लोकल या फंड बॉडीज़ के दरमियान किस तरह से तुम लोगों ने डील या बिजनेस स्टार्ट किए हैं, इन्वेस्ट किए। सो इट इज़ वेरी वर्सम फॉर द इन्वेस्टर्स, जो कि क्या होता है इन्वेस्टर को थोड़ा सा जाहिर सी बात है खर्चा होगा कि अगर मैंने यहाँ पर ये डील की तो मुझे भी नैब के चक्कर में पड़ जाना पड़ जाएगा। तो वी कैन कॉल इट लाइक इन माय ओपिनियन इट इज़ अ विशियस सर्कल, जिसकी वजह से जो है वो नैब से डर के हमारे मुल्क के अंदर थोड़ी इन्वेस्टमेंट कम होती जा रही है। ठीक है, सो नैब इज़ हैम्परिंग और क्रिपलिंग द इकोनॉमी इन अदर वर्ड्स, ये कहना ये चाह रहे हैं। हाउएवर हम इसके ऊपर अपनी क्रिटिक लाजमी शो कर सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं, आप इसको प्लीज़ अपने कमेंट्स में दे सकते हैं कि क्या क्या आपकी सोच क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, उसके लिए कमेंट सेक्शन में आप नीचे लिखें एंड आई विल बी वेरी हैप्पी कि हम वो भी डिस्कस करें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, आगे कोई डिटेल आपको चाहिए, तो आई होप कि आई विल बी एबल कि मैं आपको बता सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं या फिर आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं, और इवन योर ओपिनियन आर वेरी वैल्यूएबल एंड वर्थी फॉर दिस चैनल एंड फॉर अस, क्योंकि हर एक ओपिनियन मैटर करता है और आपके हर एक ओपिनियन और डायमेंशन से जो है वो हमारा नॉलेज एनहांस होता है, और दिस इज ऑल अबाउट द CSS कि आपको हर एक डायमेंशन का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो लेट्स कम बैक टू द एडिटोरियल। Clearly, there is no spending or investment in the country to speak of, for which the prevalent climate of fear and harassment has been repeatedly blamed. वो कहते हैं कि वाजे तौर पे तो कोई ऐसी स्पेंडिंग या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट हो रही नहीं है कंट्री के अंदर जिसके बारे में हमें बताया जाए कि वाकई में इस तरह का कोई फेयर क्लाइमेट मतलब ऐसी सिचुएशन, क्लाइमेट का इसका मतलब सिचुएशन है इस जगह के ऊपर कि मतलब कोई ऐसी सिचुएशन ऑफ फेयर जो है वो हमारे पास या हरासमेंट की कोई ऐसी सिचुएशन हमारे पास भी एग्जाम्पलीफाई के तौर पर नहीं आ सकती जो हम कह सकें कि ये रिपीटेडली ब्लेम किया जा रहा है नैब को। साथ साथ मैं आपको फिर से याद दिलवा दूँ कि आप प्लीज़ इस चैनल को स्टडी विद स्कॉलर्स को आप प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन, शेयर, लाइक सब कुछ कीजिए, क्योंकि इट इज़ वेरी 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 वैल्यूएबल फॉर योर CSS प्रिपरेशन, PMS प्रिपरेशन, इंटरव्यूज प्रिपरेशन, क्योंकि कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए हैविंग द नॉलेज ऑफ द एडिटोरियल स्पेशली द डॉन वन इट इज़ वेरी नेसेसरी। सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग दैट इज इट सीन्स एनी वन इवन रिमोटली कनेक्टेड विद दीज डिसाइडेड विलन्स रिस्क अप्रूव बाय एन नैब। अब प्रोग का मतलब क्या है, प्रोग का मतलब इज इन्वेस्टिगेशन, लाइक इन्वेस्टिगेशन। वो कहते हैं कि ये हमें नज़र आता है कि एनीवन इवन रिमोटली कनेक्टेड लाइक फ्रीली अगर कोई कनेक्टेड है इस तरह के डिसाइडेड विलन्स के साथ तो वो भी मतलब अपने आप को रिस्क के अंदर या फिर अपने आप को इस थ्रेट के अंदर समझते हैं कि वो लोग कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम नैब की इन्वेस्टिगेशन के अंडर आ सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर ऑल्सो द एलिगेशंस, ये भी इल्ज़ाम हैं, एक्यूजमेंट्स हैं दैट इंटेंस प्रेशर वर एग्जर्टेड ऑन द was exerted on the certain businessmen and the brokerages to turn approval in corruption cases against opposition leaders. कहते हैं ये भी क्या होता है इल्ज़ाम है कि जो इंटेंस प्रेशर दिया जा रहा है ऑन डिफरेंट बिजनेसमैन या फिर ब्रोकरेज के ऊपर, ये क्या होता है करप्शन को अप्रूव करवाने का एक और जरिया, लाइक कि अगर हम ब्रोकरेज के ऊपर या बिजनेसमैन के ऊपर प्रेशर देंगे तो ये लोग करप्शन को क्या होता है करप्शन के केसेस को हम अप्रूव करवा सकते हैं अगेंस्ट द अपोजिशन लीडर्स। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एलिगेशन हैज़ लेड टू कॉल फॉर रिस्ट्रेंट। अब क्या होता है इन तमाम ब्लेम्स, एलिगेशन का मतलब ब्लेम है, ठीक है, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, तो इन तमाम ब्लेम्स की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब इंटेंसिटी, मतलब इन तमाम एलिगेशंस का जो इंटेंसिटी है या नंबर ऑफ एलिगेशंस हैं उन सारों ने क्या चीज़ हमें बताई है, कॉल फॉर रिस्ट्रेंट कि भाई अब ये ख़त्म हो जानी चाहिए क्योंकि लार्ज सपोर्ट फॉर द एंटी करप्शन ड्राइव इन द कंट्री इज़ प्रेजेंट, क्योंकि पब्लिक इज़ ऑफ द व्यू कि एंटी करप्शन ड्राइव या फिर एंटी ग्राफ्ट ड्राइव जो है वो इट शुड बी वेरी नेसेसरी फॉर द स्टेट टू रन वेरी ट्रांसपेरेंटली। सो जो एलिगेशंस लोग लगा रहे हैं कि हम लोग थ्रेटन्ड हैं, हमारी इकॉनमी थ्रेटन्ड है, हमारे ब्रोकरेज और बिजनेसमैन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के अंदर हैं कि वो करप्शन केसेस को अप्रूव करवाया जाए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये जो है ना ये रुक जाना चाहिए क्योंकि एंटी करप्शन ड्राइव इज डूइंग गुड।
तो मतलब ये है कि पब्लिक ओपिनियन जो है ना जहाँ पर होते हैं वही चीज़ ज़्यादा ही बेटर वर्क करती है स्टेट के अंदर, जहाँ पर डेमोक्रेसी हो, लाइक पाकिस्तान वी आर हैविंग द सेम काइंड ऑफ डेमोक्रेसी और समथिंग लाइक सो कॉल्ड डेमोक्रेसी. हाउएवर मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज द ब्यूरो वर्क इन द रिसेंट टाइम हैज स्मैक्ड ऑफ द सेलेक्टिव कंपेन एंड पॉलिटिकल विंडेटा जियोपर्डाइजिंग द फेयरनेस ऑफ एंटायर अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस. अब वो कह रहे हैं कि जो ब्यूरो मतलब नैब का, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, नैब का मतलब फुल ऑन ये है, लाइक नैब इज एन एक्रोनिम ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ठीक है, क्योंकि समटाइम्स लोगों को तो नैब नैब नैब, लेकिन नैब का पूरा नाम क्या है ये नहीं पता चलता. तो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है वो आजकल क्या काम कर रही हैज स्मैक्ड ऑफ द सेलेक्टिव कंपेन एंड पॉलिटिकल विंडेटा. विंडेटा का मतलब ये है कि कोई इनहेरिटेड या लेगेसी के अंदर जो हमारी दुश्मनी होती है बहरहाल, लेकिन आप हम इसका सिनोनिम के तौर पे हम इसको भी बताते हैं स्मार्ट वेंडेटा जियोपर्डाइजिंग. लाइक एक छोटे से चार पैराग्राफ्स के, चार लाइनों के एक पैराग्राफ के अंदर हमें तीन वर्ड्स के मीनिंग पता चल गए. सो आर एडिटोरियल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द एसेज, विद रिस्पेक्ट टू द वोकैबुलरी, विद रिस्पेक्ट टू द करंट अफेयर्स, पास्ट अफेयर्स एंड इंटरव्यूज फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक सीएसएस पीएमएस. सो प्लीज 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 फॉलो आवर चैनल, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड प्लीज प्रेस द नोटिफिकेशन बटन. सो मूविंग टुवर्ड्स के हम आपको बताएं कि सिनोनिम्स क्या हैं, के लिए हमने एक बहुत अच्छी सिनोनिम्स की एप्लीकेशन रखी हुई है जिसके अंदर हम बताएंगे कि वेंडेटा, इसके अंदर वेंडेटा का मतलब नहीं है, हम स्मैक का मतलब देख लेते हैं. स्मैक का मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट या फिर क्रम, डैम, क्रम, निप, या दूसरा का मतलब है हार्ड स्ट्राइक. लाइक जो हम चीज पढ़ रहे हैं कि the bureau in the recent times has smacked off the selective campaign, like it has hit or striked off a selective campaign. ठीक है, अब हम वेंडेटा के लिए जाते हैं एक और डिक्शनरी के ऊपर जिससे आपको मतलब वाजे होगा कि वेंडेटा क्या होता है. वेंडेटा ये है कि कोई दो फैमिलीज के अंदर हिस्टोरिकली कोई रिवेंज टाइप की सिचुएशन चल रही हो, लाइक के मारने एक ने मारा तो मैं दूसरे वाला मारेगा, अगर इसने हमारी फैमिली के साथ ऐसे किया था हम ऐसे करेंगे, तो रेसिप्रोकेटेड जो हमारे पास रिवेंज होता है ना, दैट इज नोन एज वेंडेटा. अनदर वर्ड इज जियोपर्डाइजिंग. तो जियोपर्डाइज का मतलब हम देख रहे थे. अब इस तरह से जब हम साथ साथ फाइंड आउट कर रहे होंगे तो हमें जो हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या सॉरी विकैब की जो मिस्टेक्स होती हैं वो भी इजीली हमारी कवर हो जाएंगी, कि हमारे जो मतलब हैं वो हमें मिल जाते हैं. जियोपर्डाइज का मतलब टू प्लेस इन डेंजर, लाइक किसी चीज़ को डेंजरस सिचुएशन में लाना, ठीक है, इन डेंजर करना, मैनेस, एडवेंचर, कॉम्प्रोमाइज, गैम्बल विद, वेंचर, पैरल, पैरल का मतलब भी डेंजर होता है, ठीक है. एंटोनिम्स के अंदर प्रोटेक्ट, गार्ड, प्रिजर्व, सो इट इज़ एन इंटीमिडेट थ्रेट, राइट. तो अब पूरी लाइन का मतलब पता चल गया, दैट इज़ कि हमारा जो नेशनल इलेक्शन अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है वो आजकल क्या कर रहा है कि वो स्ट्राइक कर रहा है एक सेलेक्टिव कंपेन के ऊपर और पॉलिटिकल जो रिवेंज जो हिस्टोरिकल चल रहा है उसके ऊपर, और ख़त्म कर रहा है फेयरनेस ऑफ एंटायर अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस. मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि ब्यूरो का जो आजकल वर्क है वो सही नहीं चल रहा, क्योंकि वो एंटायर अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को जो है ना वो काफ़ी खतरे में लेके आ रहे हैं, और जो वो पॉलिटिकल दुश्मनियाँ जो हैं आपस में, लाइक पीटीआई पीएमएलएन की आपस में जो दुश्मनियाँ चल रही हैं उसको क्या होता है एक सेलेक्टिव कंपेन में रहते हुए, लाइक पीटीआई के दौर है तो वो क्या होता है नवाज शरीफ वालों को या पीएमएलएन वालों को अपने उसमें लेगा, टारगेट में लेगा, और जब ऐसे वाइस वर्सा किसी और का दौर आएगा तो कोई और पार्टी अपने उसके रहेगी टारगेट के अंदर. सो वो कह रहे हैं कि नैब इज़ नॉट वर्किंग well in the accountability of fairness in the accountability process not being given. So next thing is steps such as the constitution of the debt commission comprising the official of the military intelligence agencies and the NAB to investigate the project and agreements that are believed to have led to the rapid accumulation of the debt, public debt since 2008 are being viewed suspiciously as a tool to be used against the government's opponents. Wo kehne ke steps jaise ki humne debt commission bana diya जिसके अंदर हमने ऑफिशियल्स जो हैं वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के लाए, जो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी से थे और नैब के थे, ताकि हम इन्वेस्टिगेट कर सकें कि कौन जो प्रोजेक्ट्स और एग्रीमेंट्स जिनके अंदर हम कहते हैं कि रैपिड एक्यूमुलेशन ऑफ पब्लिक डेट जो है 2008 से हो रही है, लाइक पब्लिक डेट का मतलब होता है कर्जे, कर्जे जो हैं पब्लिक के जो कर्जे हैं आवाम के जो कर्जे हैं उसके अंदर किस तरह से एक्यूमुलेट हो रहे हैं 2008 से, मतलब बड़े ही जा रहे हैं. तो उसके लिए हमने क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, ऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना दिया है, जिसके अंदर वो क्या होता है मल्टी इंटेलिजेंस के जो बंदे हैं ऑफिशियल्स हैं नैब के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं वो इस सारे प्रोजेक्ट को सारे एग्रीमेंट्स को देखेंगे कि क्यों हमारा पब्लिक का कर्जा जो है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है 2008 से. आर बीइंग व्यूड सस्पिशियसली एज अ टूल टू बी यूज अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स ओपोनेंट्स. मतलब अब इस कमीशन को भी क्या होता है हम लोग डाउट की निगाह से देखते हैं. डाउट मतलब सस्पिशन, ठीक है, सस्पिशन मतलब डाउट, शक, ठीक है, हम शक की निगाह से देख रहे हैं कि ये कमीशन भी जो है वो भी गवर्नमेंट के हथकंडों से चल रहा है और गवर्नमेंट के जो अपोजिशन वाले लोग हैं उनके खिलाफ यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, एज ए टूल हम यूज़ करें, ठीक है.
The government is yet to make the public the details of action it plans to implement the order to restrain the NAB officials from harassing the business community and the civil servants. वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अभी भी पब्लिक के लिए जो है उसने डिटेल्स बतानी है कि किस तरह से जो एक्शन जो प्लान कर रही है कि और किस तरह से तो कौन से वो एक्शन प्लान कर रही है, कौन सी इम्प्लीमेंटेशन वो करेगी ताकि नैब को इन सारे मामलों से दूर रखा जाए, कि वो पॉलिटिकल रिवेंज के तौर पे जो है वो काम ना आए, एज अ टूल वो ना यूज़ करें, बल्कि अपने ओपोनेंट्स के लिए यूज़ ना करें, बल्कि हरासमेंट का तो इनसे ताल्लुक होना नहीं चाहिए, बस फिर अकाउंटेबिलिटी करें बेशक वो जिस तरीके से भी है, ना कि क्या होता है पुरानी दुश्मनियों में आकर लोगों को, बिजनेस इन्वेस्टर्स को, सिविल सर्वेंट्स को हरास करें, क्योंकि इट इज़ वेरी अफेक्टिंग आवर इकोनॉमी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट. बट इट इज़ क्लियर दैट सिंपल प्रोसीजरल चेंजेस, जो हमने कहा कि प्रोसीजरल चेंजेस बनाने का हमने सोचा है कि हम टू मेक द प्रोसीजरल चेंजेस इन नैब, तो हम अब ये सिंपल प्रोसीजरल चेंजेस जो है ना, जो कि हम कहते हैं कि ब्यूरो की फंक्शनिंग के अंदर, नैब की फंक्शनिंग के अंदर लाए जाएंगे, तो ये कोई काम नहीं आएंगे कि हम बिजनेस कॉन्फिडेंस वापस से बहाल कर सकें, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिशल्स के ऊपर जो क्या होता है फोर्स यूज की जा रही है, वो सारी चीज़ों को इसेंशियली ख़त्म कर दे, या फिर इकोनॉमिक की रिकवरी हो जाए, ऐसा जो सिंपल से प्रोसीजरल चेंजेस हुए हैं वो किसी खाते में नहीं आते. नैब लॉ रिक्वायर्स अ होल सेल रिव्यू बाय द पार्लियामेंट टू रिस्ट्रेन इट फ्रॉम ओपनिंग एन इन्वेस्टिगेशन विदाउट प्रॉपर इंक्वायरी एंड सफिशिएंट ग्राउंड्स एंड अरेस्टिंग सस्पेक्ट्स विदाउट एविडेंस अगेंस्ट देम एज वेल एज टू बार इट फ्रॉम एनक्रोचिंग द टेरिटरी ऑफ द स्टेट एजेंसीज विद अ सिमिलर मैंडेट. लाइक वो कह रहे हैं कि अब जो नैब लॉ है ना, उसको जो है वो पार्लियामेंट के अंदर लाया जाए और उसका एक होल सेल रिव्यू हुआ जाए, ताकि उसके अंदर साथ देख सके कि उसको हम रोक सकें, नैब के फंक्शनिंग को रोक सकें, कि वो विदाउट प्रॉपर इंक्वायरी किसी के ऊपर या विदाउट सफिशिएंट ग्राउंड्स किसी को अरेस्ट ना करे, विदाउट सिर्फ शक व शुभात की बेसिस के ऊपर, विदाउट हार्ड एविडेंस वो किसी को हरास ना करे, ठीक है ना. तो हमें लॉ को जो है वो थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर उसको रिव्यू में लाने की ज़रूरत है, ठीक है. और ना तो ना ही किसी को कोर्ट कचहरियों के अंदर घसीटे, और ना ही किसी की टेरिटरी को के ऊपर आके कब्जा कर ले, जो कि स्टेट एजेंसीज क्यों जिनकी क्या होता है सिमिलर मैंडेट हो. तो दिस लॉ इज़ द मेन थिंग विच इज़ टू बी रिव्यूड. सो फॉर दिस टू हैपन, इमरान खान एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट टोन डाउन इट्स एंटी करप्शन रेटरिक एंड एग्री टू सिट डाउन विद ओपोजिशन. लाइक इमरान खान का जो रेटरिक है वो बहुत ज़्यादा वॉसी फेरस है. लाइक इट इज़ वेरी लाउड एंड अगेंस्ट द अपोजिशन इन एवरी वर्ड. इस वजह से नैब जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट हुई हुई, जिसमें हमने पहले भी पढ़ा कि वो गवर्नमेंट की जो है इन्वॉल्वमेंट वो कहीं ना कहीं लाजमी नज़र आती है कि वो अपोजिशन के खिलाफ क्यों जा रहा है ये नैब का ब्यूरो, ठीक है. सो दैट वॉज ऑल अबाउट नैब रिस्ट्रेंस, रिस्ट्रेनिंग नैब, कि नैब को किस तरह से हम रोका जाए. रिस्ट्रेन का मतलब रोका जाना, कंस्ट्रक्ट करना, एक जगह पे उसको कन्फाइन करना, ठीक. सो द समरी अबाउट दिस इज कि गवर्नमेंट जो है वो हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है कि किस तरह से नैब जो है एंटी करप्शन की ड्राइव को किस तरह से चलाया जा रहा है. और काफ़ी लोग तो कहते हैं कि नैब के एंटी करप्शन ड्राइव की वजह से इकॉनमी के ऊपर हमारा काफ़ी ज़्यादा क्रिपलिंग इफेक्ट पड़ रहा है, हमारी इकॉनमी पर रिलाइज होती जा रही है, क्योंकि नैब जो है वो हमारे इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा हरास कर रही है, थ्रेटन कर रही है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, ब्यूरोक्रेट्स को, सिविल सर्वेंट्स को, वो उनको हरास कर रही है कि वो करप्शन केसेस के ऊपर किसी ना किसी तरह से अंदर मिक्स हो जाएं, मतलब उनके ऊपर करप्शन केसेस स्टार्ट किए जाएं. और इस वजह से फिर वो कहते हैं कि रिसेंटली डिस्कशन हुई है कि हम इस बिजनेसमैन के ऊपर हरासमेंट जो नैब कर रहे हैं, उनको कैबिनेट ने डिसाइड किया कि उसमें कुछ प्रोसीजनल चेंजेस करें ताकि ये जो थ्रेटन करने वाला जो काम है वो खत्म हो सके, ठीक है. इसके बाद वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है, बिजनेस कम्युनिटी इस वजह से भी परेशान है क्योंकि उसके ऊपर जाहिर सी बात है बिन बताए उसी हार्ड प्रूफ के बगैर जो है वो उसके ऊपर थ्रेटन या फिर क्या होते हैं हरासमेंट्स के केसेस या फिर किस तरह के करप्शन के केसेस बन जाते हैं, तो वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स वगैरह जो है वो नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, क्योंकि अगर नैब जो है वो समटाइम्स ऐसा होता है कि वो कहती है चलो ठीक है पुराने अपने केसेस निकालो, किस तरह से तुम लोगों ने डील की थी वो उसका बारे में हमें जवाब दो, तो दैट इज़ नॉट अबाउट द थिंग. इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी जो है वो क्रिपल हो रही है, क्योंकि हमारे पास क्लाइमेट ऑफ फेयर लाइक फेयर की सिचुएशन जो है वो बार बार बन गई है. और फिर वो कहते हैं कि इस वजह से हम लोग नैब को ब्लेम करें कि नैब इज़ नॉट डूइंग द थिंग्स वेरी फेयरली, ठीक है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी फेयर होने के लिए जो है वो इन तमाम एलिगेशंस को इस वजह से लाया जा रहा है कि समटाइम्स वो कहते हैं कि गवर्नमेंट का कंट्रोल इस तरह से भी नजर आता है कि नैब जो है वो मेनली ओपोजिशन लीडर्स या ओपोजिशन के जो लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा क्या होता है काम कर रही है. सो दैट इज़ वाई जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिगेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है, लेकिन साथ साथ काफ़ी लोगों का पब्लिक ओपिनियन ये भी है कि एंटी करप्शन ड्राइव जो है वो काफ़ी सो काम करना चाहिए और वो अच्छा काम कर रही है. तो इसके लिए हमने एक कमीशन बिठाया था कि सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो ऑफिशियल्स थे, नैब के ऑफिशियल्स थे, कि वो दूसरी बात ये हम करें कि
इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिशियल नैप के ऑफिशियल सारे ने इन्वेस्टिगेट करना था कि पब्लिक आवाम का कर्जा क्यों इंक्रीज होता जा रहा है 2008 के बाद से। लेकिन उस वाले कमीशन को भी हम लोग जो है वो शक की बुनियाद पर देख रहे हैं कि ये भी जो है वो गवर्नमेंट के ओपोनेंट्स के खिलाफ यूज़ हो रहे हैं। तो हम वो कहना ये चाह रहे हैं कि अब ये सिर्फ सिंपल प्रोसीजर चेंजेस पे काम नहीं बनेगा, बल्कि नैप का जो लॉ है उसको हमें पार्लियामेंट के अंदर पेश करके उसके ऊपर एक पूरा प्रॉपर रिव्यू करना है, ताकि जब नैप विदाउट प्रॉपर इंक्वायरी विदाउट सफिशिएंट ग्राउंड्स मतलब इनफ उसके पास कोई बेसिस नहीं होते, फैक्ट्स नहीं होते, फिगर्स नहीं होते, विदाउट एनी हार्ड एविडेंस किसी को कोर्ट कचहरे में सीट रही है, किसी के टेरिटरी के ऊपर जाके हमला करिए मतलब इंक्रोच करिए, इंक्रोच का मतलब जाके कब्जा कर लेना। सो इस तरह की चीज़ों के ऊपर जो है वो नैप जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही, बल्कि हम कह रहे हैं वो ओवर पावर हो रही है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि इमरान खान को जो है उसका जो रेटरिक है कि हमने क्लियरनेस अकाउंटेबिलिटी लानी है और दुनिया और पाकिस्तान के अंदर करप्शन खत्म करनी है, तो ये करप्शन का रेटरिक जो है उसको सिर्फ और सिर्फ निगोशिएशन से बैठ कर अपनी अपोजिशन के साथ वो ऐसे ही सॉल्व हो सकते, ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता। सो प्लीज़ अब इस सारी वीडियो को सुनने के बाद जो भी आपके जहन में आते हैं अपने व्यूज़ उनको प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें, बाकी व्यूवर्स के साथ शेयर करें, दैट विल बी वेरी एफिशिएंट फॉर अस कि हम लोग आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकेंगे कि कैसे हैं कैसे नहीं है, और हमारे नॉलेज में भी इजाफा होगा, आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा, क्योंकि इट इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू जो मुझे समझ आया वो मैंने आपको बयान किया, ठीक है। और साथ साथ आगे कोई इसके अंदर मिस्टेक्स या कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत है तो वो भी आप प्लीज़ हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, इवन प्रेस द बेल आइकॉन बटन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम व्हेन द वीडियो इज अपलोडेड। सो अलाफ एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।